नमस्कार बच्चों, देखो देखो बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई वॉज टीचिंग यू द लिटरेरी टर्म मेटाफर। पिछली क्लास में बच्चों आपको पता, सिमिली खत्म करके मैं आपको मेटाफर पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। और क्या होता है मेटाफर, तो उसको आप समझें। मेटाफर के बारे में बच्चों मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी कि देयर इज ए लिटिल डिफरेंस, देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और जो मेटाफर है उन दोनों में बच्चों कोई खास फर्क नहीं होता, थोड़ा सा ही फर्क होता है। क्या फर्क होता है मैं एग्जाम्पल से बड़ी बात क्लियर करता हूँ, देखना। अपने टॉपिक का नाम क्या है? मेटाफर। ये जो मेटाफर है बच्चों, इसे आप हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। और जो रूपक अलंकार है बच्चों, उसको आप हिंदी में यूं बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। जब हम कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें उपमा अलंकार बना है। और जब आपने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा ही है, तो इसमें जो अलंकार बन रहा है वो रूपक अलंकार बन रहा है। रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों, जैसे सिमिली के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन द सेम वे देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इन द सेम वे देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ए मेटाफर टू। ये जो मेटाफर है बच्चों, इसमें भी सिमिली की तरह दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और सिमिली में क्या होता है बच्चों, जैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन की जाती है, तुलना की जाती है इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से इन ए मेटाफर आल्सो द टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर। यानी जो रूपक है उसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, यानी कंपेरिजन उधर भी है, कंपेरिजन इधर भी है। टू ऑब्जेक्ट्स उधर भी है, टू ऑब्जेक्ट्स इधर भी है। उधर भी हमने कहा कि सिमिली जब होगी बच्चों, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? बोथ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो अलग अलग प्रजाति के होने चाहिए। मेटाफर के अंदर भी ये नियम लागू होता है, दो ऑब्जेक्ट उधर भी हैं, दो ऑब्जेक्ट इधर भी हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए, तो इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए। क्लियर है? कंपेरिजन उधर भी है, कंपेरिजन इधर भी है, लेकिन बच्चों कंपेरिजन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन इन ए सिमिली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी दो अलग अलग प्रजातियों के ऑब्जेक्ट्स में सीधी सीधी तुलना की जाती है तो वह सिमिली होता है। क्या होता है वहां? सिमिली या उपमा अलंकार देखा जाता है, लेकिन यहां क्या होता है बच्चों, इन्हें मेटाफर। द कंपेरिजन मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट डायरेक्ट बट इट इज इंप्लाइड। फर्क बस इतना है कि यहां जो तुलना होगी वो तुलना बच्चों डायरेक्ट नहीं होगी, वो तुलना इंप्लाइड होगी। इंप्लाइड से मतलब होता है कि वो अंडरस्टूड होगी। मेटाफर के अंदर जो कंपेरिजन किया जाएगा वो कंपेरिजन कैसा होगा? दैट शेल नॉट बी डायरेक्ट, वो सीधा सीधा नहीं होगा, बट इट शुड बी इंप्लाइड, इट शुड बी अंडरस्टूड। लेकिन यहां पर जो तुलना होगी बच्चों, वो तुलना कैसी होगी? वो तुलना अंडरस्टूड होगी। और बहुत ही मतलब कि जिस प्रकार से उपमा अलंकार में सीधे सीधे तुलना की जाती है, वैसे सीधे सीधे तुलना नहीं की जाती। और एक बात और समझे आप, देखो बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो द केमल है ना, इज लाइक द सिप ऑफ डेजर्ट। ये कहा मैंने ये कहा कि ऊंट राजस्थान, ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह हैं। प्लीज लुक एट द वर्ड, सी द सेंटेंस केयरफुली, ध्यान से आप वाक्य को देखेंगे। द केमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है? हमने कहा कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है, यू शैल हैव टू कॉम्पैक्ट द सेंटेंस। कॉम्पैक्ट से मतलब यह बच्चों, थोड़ा इधर से जोर लगाइए, थोड़ा उधर से जोर लगाइए। जब दोनों तरफ से थोड़ा जोर लगाओगे तो क्या बनेगा? तो बच्चों क्या होगा, जब आपको इसको यों दबाएंगे तो ये वाला पार्ट निकल करके ऊपर चला जाएगा और आपके पास जो वाक्य बचेगा वो क्या बचेगा, देखना। द केमल इज
the ship of the desert. ठीक है बच्चों, ऐसा आपने लिखा. आपको देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो हमने बोला था कि द केमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, और इस बार हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है. कॉम्पैक्ट करने के बाद में क्या हो गया है, सेंटेंस जो हमारे पास में बचा है बच्चों, इतना सा बच गया, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट रेगिस्तान का जहाज है. पहले मैंने कहा था कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह है. तो बच्चों ऊपर वाले सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच था, जो अलंकार था, उसका नाम क्या था, उसी मिली था. क्या था वो, उसी मिली था. और ये जो नीचे वाला अलंकार बच्चों, जो नीचे वाला फिगर ऑफ स्पीच बना है, इसमें क्या किया आपने, जो लाइक शब्द है उसको आपने हटा दिया है, सेंटेंस को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है. इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो मेटाफर है. क्या है बच्चों, वो मेटाफर है. तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, निष्कर्ष बच्चों हमारे पास ये निकला, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच. पहला सेंटेंस तो देखो, पहली बात तो ये समझो, मेटाफर इज ए, ये लिखने लायक बात है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी मेटाफर एक अलंकार होता है, बिलोंगिंग टू ये बच्चों अर्थ पर निर्भर करता है, ये अर्थ के ऊपर निर्भर करता है, सेंस पर निर्भर करता है, इसलिए कहना पड़ेगा बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज या डिवाइड, बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज करो आपसे. बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज का मतलब ये होता है, मेटाफर या रूपक अलंकार, रूपक एक अलंकार होता है जो ज्ञान युक्तियों से संबंधित होता है. मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसे लिखना पड़ेगा कि मेटाफर एक अलंकार होता है. फिगर ऑफ स्पीच बच्चों पूरा वर्ड है और उसका मीनिंग होता है स्पीच यानी वाणी, ऑफ यानी के, और फिगर का मतलब है ना अलंकार, तो वाणी के अलंकार है. ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि मेटाफर वाणी का ऐसा अलंकार होता है जो ज्ञान युक्तियों से संबंधित होता है. मेरा मतलब यह है कि इसमें साउंड नहीं होता है बच्चों, इसमें सेंस होता है. इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू सेंस, इसको सेंस के माध्यम से समझा जा सकता है, अनुवाद करने पर ये चीज समझ में आती है. क्लियर है, तो मेटाफर बच्चों क्या होता है, मेटाफर एक अलंकार होता है और ये सेंस डिवाइजेज यानी ज्ञान युक्तियों से संबद्ध होता है. दूसरी बात बच्चों, इस सेंटेंस को पढ़ के हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मेटाफर जो है वो एक प्रकार की सिमिली होती है. मेटाफर इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ सिमिली, मेटाफर भी एक प्रकार की सिमिली होती है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट इट इज ए कॉम्पैक्टेड वन. लेकिन मुख्य फर्क ये होता है बच्चों, ये कॉम्पैक्टेड होती है, अर्थात ये दमित होती है, कंप्रेस्ड होती है, और यही कारण है कि बच्चों इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, जैसे लाइक है, जैसे एज है, जैसे एज एज है, जैसे सो एज है, दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. ये वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रूप में करते हैं, बट इन सिमिली में करते हैं आप, एंड इन मेटाफर दीज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नेवर यूज्ड, और मेटाफर के अंदर इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है. क्लियर है बच्चों, तो दूसरा निष्कर्ष हमारे पास ये निकला कि मेटाफर इज ए, देखो मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड, मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली. मेटाफर भी एक प्रकार का सिमिली होता है, लेकिन ये कैसा होता है बच्चों, ये जो है ये कॉम्पैक्टेड सिमिली होता है. एक बात ये भी समझो बच्चों आप, कि मेटाफर जो है ये कॉम्पैक्टेड सिमिली होता है, और मेटाफर के बारे में आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड. देखो ये लिखें, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हिंदी में अगर बच्चों बोलेंगे तो इनको कहना पड़ेगा वाचक शब्द. क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, वाचक शब्द. तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इतना ही काफी है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, यानी इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, जिन्हें वाचक शब्द कहते हैं, जो पहचान के लिए निश्चित होते हैं, और जिनमें मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, लाइक है, एज है, एजेज है, सो एज है, तो दीज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, दीज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन द मेटाफर. और मेटाफर में क्या होता है बच्चों, इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाता. ये क्लियर हो गई है. इसके बाद में बच्चों एक अहम बात आपके पास में जो बस्ती है वो ये है कि आप जानते हो कि
आइडेंटिटी जब आप जानते हो कि एक प्रकार का सिमिली है तो कंपैरिजन इधर भी है, कंपैरिजन उधर भी है, फर्क बस क्या है? आप जानते हो दो ऑब्जेक्ट इसमें भी है, दो ऑब्जेक्ट उसमें भी है, कंपैरिजन इधर भी है, कंपैरिजन उधर भी है, बट द कंपैरिजन मेड इन द मेटाफर इज नॉट डायरेक्ट बट इट इज इंप्लाइड. क्लियर है ये बात? और समझ लें आप, लिखो इन मेटाफर का मतलब होता है मेटाफर में कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट. इन मेटाफर कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट बट इंप्लाइड. इन मेटाफर कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट बट इंप्लाइड. इन मेटाफर मेटाफर में तुलना, कंपैरिजन का मतलब तुलना होता है. कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट यानी मेटाफर में जो तुलना होती है वो सीधे सीधे नहीं होती है, बट इंप्लाइड का मतलब बच्चों अंडरस्टूड होती है. ठीक है, उदाहरण आपको एग्जाम्पल दिया बच्चों हमने, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. दूसरा उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, अब समझते जाना है, क्योंकि बातें समझने की जो लिखाने लायक बातें हैं वो मैंने लिखवा दी. जो लिखाने लायक बातें हैं बच्चों वो इतनी हैं कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज. मेटाफर एक प्रकार का अलंकार होता है जिसका संबंध ज्ञान युक्तियों से होता है. ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू ट्रांसलेशन, इसे अनुवाद के जरिए समझा जाता है. ठीक है बच्चों, एंड देर आर नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, देर आर नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यूज इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. इस फिगर ऑफ स्पीच में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं होता है. और मेटाफर बच्चों ये प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि मेटाफर इज ए खालिस्तान सिमिली, तो ब्रैकेट में आपको खालिस्तान में रिक्त स्थान में भरना पड़ेगा कॉम्पैक्टेड. मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली, मेटाफर एक प्रकार का कॉम्पैक्टेड सिमिली होता है. और इन मेटाफर कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट बट इंप्लाइड, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन उधर भी है. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट उधर भी है, दो इधर भी है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि हियर द कंपैरिजन दैट इज मेड, यहां पर वह तुलना जो की जाती है दैट इज नॉट डायरेक्ट बट दैट इज इंप्लाइड, अर्थात वो तुलना सीधे सीधे नहीं की जाती है अपितु वह अंडरस्टूड होता. उदाहरण, केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. एक बात और समझे बच्चों, मेटाफर में साधारणतः ये प्रयोग जरूर देख सकते हो आप. देखो ये तो नाउन है, इधर ऑफ है और इधर नाउन है. और बच्चों अगर ऐसा है तो आप ये भी समझ लो कि यहां पर द भी आएगा, क्योंकि आप जानते हो जब इस नाउन के ठीक बाद में ऑफ आ रहा है तो इसको पर्टिकुलेट करने के लिए, इसको विशेष बनाने के लिए आपको उसके पहले द लगाना पड़ेगा. दिस स्ट्रक्चर कैन बी जनरली फाउंड इन एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, यानी मेटाफर के किसी भी उदाहरण में साधारणतः इस स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है. जैसे आपको पता है क्या आ गया, देखो केमल इज द शिप ऑफ, इधर द आ रहा है और इधर ऑफ आ रहा है, केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. दूसरा उदाहरण देता हूं, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास भारत का मिल्टन है. अब आप कहोगे सर ये दोनों ऑब्जेक्ट डिसिमिलर कैसे हुए? अरे वो ऐसे हुए कि यूं तो आपको पता है सूरदास भी एक मानव है और मिल्टन भी मानव है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग काल की हस्तियां हैं, इनका पीरियड अलग अलग है, इनका साहित्य, इनका इनकी लैंग्वेज अलग अलग है, इनका कंट्री अलग अलग है, इनकी नेशनैलिटी अलग अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग अलग है, इसलिए इनको क्या मानना पड़ेगा हमें? दैट्स व्हाई वी शैल हैव टू कंसीडर देम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. हम उनको अलग अलग प्रजाति का ही मानते हैं. तो सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास भारत का मिल्टन है. क्यों है? दोनों में तुलना क्यों की है हमने? हमने दोनों में तुलना इसलिए की है क्योंकि सूरदास भी अंधा था. सूरदास वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, सूरदास तो जन्म से अंधा था, जन्मांध था. और मिल्टन भी अंधा था लेकिन वो जन्मांध नहीं था, वो 23-24 साल की उम्र में जाकर के अंधा हो गया था. सूरदास ने सूर सागर लिखा, इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर. इन द सेम वे जॉन मिल्टन आल्सो रॉट लॉस्ट पैराडाइज एंड पैराडाइज गैंट, हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर. अंग्रेज साहित्य में उन्होंने दो महाकाव्य भी लिखे बच्चों, एक का नाम तो क्या है, स्वर्ग हो गया है, पैराडाइज लॉस्ट, लॉस्ट पैराडाइज, और दूसरा क्या लिखा, पैराडाइज गैंट, पैराडाइज यानी स्वर्ग वापस मिल गया है. तो इस तरीके से बच्चों हमने इनकी दोनों की तुलना की है. आप कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं. कालिदास जो है बच्चों उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, द लव स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड किंग दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला नाम की जो लड़की थी, जो एक तपस्वी है ना, कौन सी, कण्व ऋषि की, कण्व ऋषि की आश्रम में उनका उनकी परवरिश हुई थी. तो उनकी जो लव स्टोरी है वो उसमें बताई गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में. तो वो एक बहुत खतर बहुत जोरदार जो है ड्रामा है. और हमारे जो अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर है उन्होंने रोमियो एंड जूलियट लिखा है. रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी है और रोमियो एंड जूलियट ही क्यों, मैकबेथ लिखा है ना, किंग लियर लिखा है, हेमलेट लिखा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है, द टेम्पेस्ट लिखा है और भी कई लिखे हैं ना. ये स्थिति आपकी कालिदास की है कि अभिज्ञान शाकुंतलम तो उनका माइलस्टोन है,
परंतु उन्होंने रघुवंश भी लिखा है, मेघदूत भी लिखा है, मालविकाग्नि मित्रम भी लिखा है, विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है ना, तो ये सब बातें हैं। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वाल्मीकि इज द होमर ऑफ इंडिया। वाल्मीकि को भारत का होमर कहते हैं। वाल्मीकि ने क्या लिखा है बच्चों, सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि ने क्या लिखा है। वाल्मीकि ने लिखा द रामायण, वाल्मीकि ने लिखा द रामायण लिखा है। और जो होमर नाम के कवि थे वो कहां के थे, वो यूनान के थे, ग्रीस के थे, और उन्होंने लिखा इलियड और ओडिसी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, हाँ दोनों में तुलना कर रहे हैं पर सीधे सीधे नहीं कर रहे हैं, इंप्लाइड कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड सच अ टाइप ऑफ यूज इज नोन एज मेटाफर इन इंग्लिश। और मेटाफर में जनरली क्या देखने को मिलता है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारी इसी क्रम में बात जारी रहेगी, परंतु बच्चों इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। आपके समझ में आ गई है, आपको मैंने कहा था कि 1919 में मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई थी, और संधि का नाम क्या था, द ट्रीटी ऑफ वर्साई। और बाद में हिटलर ने कहा कि ये क्या था, हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। तो बच्चों ये मेटाफर हो गया ना, द ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज द रोबरी ऑफ द हाईवे। The Treaty of Versailles was the robbery of the highway. यानी वर्साई की संधि क्या थी, वर्साई की जो संधि थी वो राजमार्ग की डकैती के समान नहीं थी, वह राजमार्ग की डकैती ही थी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप आरोपित करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, पर कंपेरिजन ऐसा करते हैं कि डिफरेंस ही खत्म कर देते हैं कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो नया वर्जन है। जो तुलना करने वाला है वो कहता है कि दिस इज नॉट लाइक दिस, मतलब कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कहता है कि इसके समान नहीं है, बट इट इज अनदर, ये तो दूसरा है इसके जैसा, दिस इज द अनदर वर्जन, दिस इज द अनदर इनकार्नेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग, द सेकंड थिंग इज द अनदर इनकार्नेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग। जो दूसरी चीज है बच्चों, वो पहली चीज का क्या है, नवीन अवतार है। इस प्रकार से हम इसमें बोलते हैं, एक बार आपको इसका ट्रांसलेशन करके समझाता हूं, देखना आप। मेटाफर ये आप बच्चों किताब खोलेंगे अपनी, पेज नंबर 158 के ऊपर बोल रहा हूं मैं। मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच, ये तो समझ में आई गया होगा। रूपक एक अलंकार होता है बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइजेज, जो ज्ञान युक्तियों से संबद्ध होता है इन इंग्लिश लिटरेचर। मेटाफर यानी रूपक एक अलंकार होता है जो अंग्रेजी साहित्य में ज्ञान युक्तियों से संबद्ध होता है। इट इज इन फैक्ट ए सिमिली, वस्तु तो एक प्रकार का उपमा अलंकार ही होता है, एक्सेप्ट दैट, केवल इस बात के अलावा की, यानी उपमा अलंकार और ये दोनों एक ही होते हैं, यह वस्तु तो एक प्रकार का उपमा अलंकार ही होता है, सिवाय इस बात के कि लिखा हो ना, चो आगे एच ई ही, इसके आगे टी और लगाओ, इसको बनाओ द, क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट दैट, फर्क बस इतना है कि, या मैन द मैन डिफरेंस इज दैट, यानी मुख्य फर्क बस इतना है कि द कंपेरिजन इज नॉट डायरेक्ट बट इंप्लाइड, यानी जो कंपेरिजन की जाती है बच्चों वो डायरेक्ट नहीं होती है, अपितु कैसी होती है, वो इंप्लाइड होती है। आइए देखो, द वर्ड्स लाइक
एंड एज आर नॉट यूज्ड एज मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है. द पोएट डज नॉट से दैट वन ऑब्जेक्ट इज लाइक अनदर. कवि ऐसा नहीं कहता है कि पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की तरह है. कवि ऐसा नहीं कहता है कि पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की तरह है, बल्कि वो तो ये कहता है कि दूसरा ही है. इट इज द लेटेस्ट वर्जन, इट इज द लेटेस्ट मॉडल. ये तो नया मॉडल है उसी का, ठीक है, ये नया वर्जन है, ठीक है, और ये दूसरा ही वर्जन है. तो बताया गया द पोएट डज नॉट से दैट. कवि ऐसा नहीं कहता है कि वन ऑब्जेक्ट इज लाइक अनदर. कवि ऐसा नहीं कहता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह है. ही सेज, बल्कि वो तो ये कहता है इट इज अनदर, बल्कि वो तो ये कहता है इट इज द अनदर और द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फर्स्ट थिंग. कि ये जो पहली वाली चीज है ये उसी का दूसरा वर्जन है, ये उसी का जो है नवीनतम मॉडल है, नया अवतार है. द एग्जाम्पल उदाहरण है ही इज एज क्रूअल एज ए टाइगर. वो उतना क्रूर है जितना कि टाइगर होता है, वो उतना क्रूर है जितना टाइगर होता है. तो बच्चों यहां तो उपमा अलंकार बन गया है, क्योंकि उसको किसके समान बताया गया है, उसे टाइगर के सदृश बताया गया है, उसे टाइगर के जैसा बताया गया है. लेकिन बच्चों इलुस्ट्रेट्स, इसका मतलब ये दर्शाता है, ये जो ऊपर वाली ऊपर वाला उदाहरण है द एग्जाम्पल ही इज लाइक ही इज एज क्रूअल एज अ टाइगर, अर्थात वो उतना क्रूर है जितना एक टाइगर होता है. दिस एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट्स दैट, ये उदाहरण इस बात को दर्शाता है. दिस एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट्स द यूज ऑफ ए सिमिली. ये जो उदाहरण है ये तो उपमा अलंकार के प्रयोग को दर्शाता है. बट द एग्जाम्पल, लेकिन दूसरा उदाहरण देखो, ही इज द टाइगर ऑफ दिस टाउन. वो इस टाउन का टाइगर है. ही इज द टाइगर ऑफ दिस टाउन, अर्थात वो इस टाउन का टाइगर है, अर्थात वो इस कस्बे का बाघ है, बाघ के समान नहीं है. इट इलुस्ट्रेट्स द यूज ऑफ मेटाफर. ये किसका उदाहरण है? ये जो दूसरा वाला उदाहरण है, दूसरा वाला सेंटेंस है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, अर्थात वो एक रूपक अलंकार का उदाहरण, एक रूपक अलंकार का उदाहरण है. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि यहां पर किस प्रकार से तुलना की जाती है. और कई उदाहरण हमारे बीच में आएंगे, आप अपनी किताब के अंदर कई अच्छे अच्छे जो पोएट्री है उसमें, और अपना केवल पोएट्री क्यों, प्रोज के अंदर भी हो सकता है, तो आप इसे उदाहरण छांटें और बात को समझें. जैसे गांधी जी ने एक बार कहा कि नीमू चढ़ा का आंदोलन क्या था, ये दूसरा मतलब दूसरा जलिया वाला कांड था. तो दूसरा जलिया वाला कांड था, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीमू चढ़ा के आंदोलन को उन्होंने जलिया वाला कांड ही कह दिया. तो इसमें उपमा नहीं है, इसमें जो है मेटाफर है, क्योंकि उन्होंने उसको उसके समान नहीं बताया, उन्होंने उसको उसके समान नहीं बताया. अभी तो क्या कहा, समझ गए, उसने उसको उसके समान नहीं बता करके उसने कहा कि ये वही है. तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति, तुलना में जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, when such a situation occurs in comparison, जब तुलना में इस प्रकार की स्थिति बनती है, तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं वी ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर इन द गिवन लाइंस. तब हम जो दी हुई पंक्तियां होती है उनमें क्या देखते हैं बच्चों, तब हम उनमें मेटाफर या रूपक अलंकार जो है उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं. मेटाफर की कहानी खत्म हो गई है, आगे चलते हैं बच्चों. क्या है एलिट्रेशन? तो एलिट्रेशन क्या है बच्चों? एलिट्रेशन जो है, इसको पहले मैं समझा दूं आपको, थोड़ा सा समझा दूं. एलिट्रेशन को हिंदी में आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं. एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं. और बच्चों आप इस बात को जानते हैं कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में लेटर्स का प्रयोग होता है. जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? लेटर्स. लेटर्स का मतलब अक्षर. और आप ये भी जानते हैं बच्चों कि अक्षर या लेटर दो प्रकार के होते हैं. एंड यू वेरी वेल नो, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्षर या लेटर दो प्रकार के होते हैं. तो अक्षर या लेटर दो प्रकार के होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं? आप जानते हो, एक तो होता है कॉन्सोनेंट, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है वोवेल. ये है बच्चों आपको, आप पढ़ रहे हैं एलिट्रेशन. क्या पढ़ रहे हैं? एलिट्रेशन. और बच्चों आप जानते हो एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं. एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं. और मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या होते हैं? शब्द होते हैं. इसका मतलब सेंटेंस शब्दों से बनता है. बहुत अच्छे. और शब्द किससे बनते हैं? शब्द लेटर्स से, अर्थात अक्षरों से बनते हैं. और अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हो बच्चों, जो लेटर है, लेटर से मेरा मतलब पत्र नहीं है, लेटर से मेरा मतलब अक्षर है. तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हो लेटर दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है कॉन्सोनेंट. क्या होता है? एक तो कॉन्सोनेंट होता है और एक होता है बच्चों वोवेल. एक तो कॉन्सोनेंट होता है और एक वोवेल होता है. तो आपको बच्चों वोवेल को छोड़ देना है, वोवेल पे ध्यान न दें, आप कॉन्सोनेंट के ऊपर ध्यान दें. क्या होता है कि एक लाइन है, सेम लाइन, ठीक है,
तो सेम लाइन ए की पंक्ति में क्या होता है कि आप इस बात को समझे कि ए की पंक्ति में जो कॉन्सोनेंट है वो क्या होते हैं, एट ए रेगुलर इंटरवेल दे रिपीट, द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट ए फ्रीक्वेंट इंटरवेल। ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंट इंटरवेल का मतलब होता है एक निश्चित जो इंटरवेल है, अंतराल है, उसके ऊपर क्या है इनका यूज जो है बार बार रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट के यूज को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से उस पंक्ति में म्यूजिकल इफेक्ट पैदा होता है। इट एनहांसेज, द यूज ऑफ एलिट्रेशन एनहांसेज म्यूजिकल इफेक्ट इन द लाइन्स इन द पोएट्री। पोएट्री के अंदर क्या होता है कि आप जब इसका प्रयोग करते हैं तो कविता में क्या होता है, कविता में बच्चों म्यूजिकल इफेक्ट का मतलब संगीत जो है उसकी तासीर पैदा होती है, संगीत की तासीर पैदा होती है अर्थात संगीत का असर पैदा होता है। आई बात समझे, म्यूजिकल इफेक्ट पैदा होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखते हैं कि जो एलिट्रेशन है उसमें क्या होता है, एक जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसकी एक ही लाइन में इन द सेम लाइन एक ही लाइन के अंदर क्या करते हैं आप उसकी बार बार आवर्ती करते हैं और इस प्रकार की जो स्थिति होती है वहां कौन सा अलंकार बनता है, अनुप्रास, आप इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। जैसे बच्चों मैत्रीशरण गुप्त की एक पंक्ति है, हिंदी में बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी में बाद में बताऊंगा। मैत्रीशरण गुप्त की एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। पहली लाइन है सुदर्शन चक्र पाणि अब बेड़ा पार लगाइए, जयद्रथ वध नाम की पुस्तक है उनकी, उसकी लाइन है। अभिमन्यु मर गया है और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान भक्तों की भयंकर हे सुदर्शन चक्र पाणि अब बेड़ा पार लगाइए, यहां कुछ नहीं है। अब देखो भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, आप देख रहे हैं भय 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 कई बार आ रहा है। तो ये क्या है, ये बच्चों अनुप्रास अलंकार का ही तो उदाहरण है। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से ले जाकर के चटनी चटाई, चैचे की आवृत्ति कई बार हो रही है, ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार ही तो है। भारत हिंदू ऋषिचंद्र की एक बड़ी फेमस पंक्ति है, कल कालिंदी कूल कदम की डारन या तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो देख रहे हैं बच्चों तरनी ता गया ना, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि जो सेम कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो बच्चों हिंदी की कहानी है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं हिंदी में, केशवदास जो है उन्होंने अपनी पुस्तक रामचंद्रिका में एक बहुत अच्छा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, है ना। तो अनुप्रास अलंकार को ज्यादा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा आप इसका यूज करते हैं, राइम स्कीम ज्यादा उसमें लाने की कोशिश करते हैं तो कविता में क्या है कि कविता जो मोनोटोनस बन जाती है अर्थात कविता थोड़ी नीरस भी हो जाती है। बहरहाल वो उदाहरण में थोड़ा आपको ठहर के दूंगा, अभी मैं आपको इंग्लिश का उदाहरण देता हूं। इंग्लिश का उदाहरण देखो बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, देखो आप फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, बहुत कम लोग हैं जो कि फॉल्ट से फ्री होते हैं अर्थात बहुत कम लोग हैं जिनसे गलती नहीं होती है न के बराबर, अर्थात ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो गलती नहीं करता है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो आपने देखा यहाँ एफ आ रहा है, आपने यहाँ देखा यहाँ भी एफ आ रहा है, आपने देखा यहाँ भी एफ आ रहा है, और आपने देखा ये कॉन्सोनेंट है वोवल नहीं है। तो ये भी ध्यान रहे कि एलिट्रेशन के अंदर जो साउंड रिपीट होती है वो वोवल की नहीं होती है, किसकी होती है, वो कॉन्सोनेंट की होती है। तो फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। दूसरा देखो, बिपाशा बशु इज द ब्लैक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। बिपाशा बसु को हम बॉलीवुड की ब्लैक ब्यूटी कहते हैं, बिपाशा बसु बॉलीवुड की ब्लैक ब्यूटी है। तो बच्चों आपने ये भी देखा कि यहां ऑफ आ रहा है और आपने देखा बच्चों यहां द आ रहा है, तो बेशक इसमें मेटाफर भी है। ठीक है, इस लाइन के अंदर मेटाफर नाम का फिगर ऑफ स्पीच भी है और इसमें देखो बच्चों बी इधर आ गया, बी इधर आ गया है, बी इधर आ गया, बी इधर आ गया, बी इधर आ गया है, यानी बी जो है बी नाम का लेटर ये बार बार जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो एलिट्रेशन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, एलिट्रेशन बन रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एस पी कॉलेरिज जो है वो अपनी कविता में लिखता है द फर्रो, देखो एंशियंट मेराइनर, एंशियंट मेराइनर का मतलब प्राचीन मल्लाह या प्राचीन नाविक नाम की जो उनकी कविता है उसमें वो लिखते हैं द फर्रो फॉलोड, द फर्रो फॉलोड फ्री, द फर्रो फॉलोड फ्री। फर्रो क्या होता है बच्चों, जैसे कोई नाव चलती है तो नाव चलने के पीछे वो अपने पीछे एक मार्ग बनाती हुई अपने पीछे गडार बना करके चलती है, उसको आप फर्रो कहते हैं। बाइक आप चलाते हैं किसमें, मतलब रेत में बाइक आप चलाते हैं तो उसकी उससे क्या बनती है, जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो उसके पीछे एक लकीर बनती जाती है,
तो वो जो लकीर बनती है उस लकीर को आप बोलते हैं फर्रो. तो द फर्रो फॉलोड फ्री. तो आप देख रहे हैं बच्चों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक गतिमान जहाज जो है उसका चित्र है, गतिमान जहाज का एक बिंब या उसका एक इमेज जो है हमारी नजरों के सामने आ रहा है, बन रहा है. और आप देख रहे हैं बच्चों इसमें एफ 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 की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है. अब मैं आपको बताता हूं आपकी किताब में क्या लिखा हुआ. देखो मैत्रीक्षण गुप्त का एक उदाहरण और बड़ा अच्छा है. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. पंचवटी पुस्तक में लिखा उन्होंने चारु चंद्र की चंचल किरणें. तो चेचे बार बार आ रहा है बच्चों. तो दिस इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. ये एलिट्रेशन का उदाहरण है हिंदी में. फर्क बस इतना है कि हिंदी में उसको अनुप्रास कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं एलिट्रेशन कहते हैं. इतना ही फर्क है, क्लियर है, देखना पड़ेगा. एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू साउंड डिवाइस. बच्चों पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने लायक बात. पहली बात तो बच्चों ये है कि एलिट्रेशन एक ऐसा अलंकार होता है जिसका संबंध सेंस डिवाइजेज यानी ज्ञान युक्तियों से नहीं होता, अपितु साउंड डिवाइजेज से होता है. क्लियर है. देखो एलिट्रेशन लिखना स्टार्ट करो, लिखने लायक बात है. एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ speech. Alliteration is a figure of speech belonging to sound device. ये देखो alliteration भी एक अलंकार ही है, but it does not belong to sense devices. लेकिन इसका संबंध जो है sense devices से नहीं है, है ना. Instead it belongs to sound devices. इसके बजाय यह जो है ध्वनि युक्तियों से संबंधित है. अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसका संबंध ध्वनि युक्तियों से होता है, या अनुप्रास जो है ध्वनि युक्तियों से संबंधित एक अलंकार का नाम है. उसी तरीके से देखो बच्चों एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू साउंड डिवाइजेज इन इंग्लिश लिटरेचर. समझ गए ना. इस पंक्ति का मतलब यह है कि अनुप्रास एक ध्वनि युक्तियों से संबंधित अलंकार होता है अंग्रेजी साहित्य में. अनुप्रास अंग्रेजी साहित्य में एक ध्वनि युक्तियों से संबंधित अलंकार होता है. It involves का मतलब it means. Involve का मतलब शामिल होना. इसमें क्या शामिल है. It means repetition of the same sound. इसका मतलब होता है same sound का repetition at a frequent interval, थोड़े थोड़े अंतराल में, in the same line. ये लिखने लायक. It involves the It involves the repetition of the same sound at a frequent interval, यानी थोड़े थोड़े अंतराल में, at a frequent interval in the same line. In the same line. आ गई समझ में बात. It involves the repetition of the same sound. It involves the repetition of the same sound at a frequent interval in the same line. यानी इसमें क्या शामिल है. इसमें एक ही पंक्ति में एक जो साउंड या एक जो ध्वनि है उसकी बार बार आवृत्ति या उसकी बार बार जो है उसका बार बार उसकी बारंबारता जो है वो इसमें शामिल है. उदाहरण दिया है फॉर एग्जाम्पल इन द लाइन्स. आइए देखो बच्चों उदाहरण देखो. लाइन्स फ्रॉम द एंशियंट मेराइनर. ये बच्चों कविता का नाम है. द एंशियंट मेराइनर हिंदी में कहते हैं इसको प्राचीन मल्लाह. मल्लाह कौन होता. सेलर, वन हु सेल्स बोट, जो नाव को खेता है. नाविक कहते हैं आपसे, ठीक है. तो प्राचीन नाविक नाम की जो कविता है एंड इट इज कंपोज बाई एस टी कोलेरिज, और अंग्रेजी महान कवि एस टी कोलेरिज के द्वारा रचित है. इसमें एक लाइन है द फेयर ब्रिज ब्लू. फेयर माने अच्छी और ब्रिज का मतलब हवा. तो अच्छी हवा चली द वाइट फॉर्म फ्लू. अच्छी हवा चली या यूं कह सकते हो कि अच्छा पवन चला और क्या हुआ सफेद झाग मचला. अच्छा पवन चला और सफेद झाग उड़ा. फ्लू, फ्लू का मतलब उड़ा. तो बच्चों पहली पंक्ति में आपने देखा फेयर में क्या आ रहा है. फेयर द फेयर और आगे आ रहा ब्रिज ब्लू. बीबी दोबारा आ रहा है और आगे देखना द वाइट फॉर्म फ्लू. इसमें एफ एफ दोबारा आ रहा है और आगे वाली लाइन है बच्चों द फर्रो फॉलोड फ्री जो मैंने आपको समझा दी है. द रिपीटेड बीज
आप देख रहे हैं इसमें बी जो है बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड बीज एंड एप्स, बी और एफ जो इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, दे मेक द लाइन्स रन क्विकली, दे मेक द लाइन्स रीड क्विकली, अर्थात बच्चों ये पंक्तियों को कुछ ऐसा बनाते हैं कि हम इन पंक्तियों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये पंक्तियों को भगाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे जो पंक्तियां हैं उनमें एक गतिशीलता का बिंब जो है वो बन रहा है। इस प्रयोग से क्या हो रहा है कि पंक्तियों में एक गतिशीलता, डायनामिक होना यानी गत्यात्मकता का बिंब बन रहा है। एंड इट गिव्स इंप्रेशन ऑफ शिप, और ये हमें एक ऐसे जहाज की छवि, हमारी एक ऐसे जहाज की छवि है, एक ऐसे जहाज का बिंब हमारी आंखों में बनाते हैं, एक ऐसा जहाज विच इज ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड, जो बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, एक बहुत तीव्र गति से चलते हुए जहाज का बिंब हमारी नजरों के सामने बनता है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ द लाइन्स, इन पंक्तियों को व्हेन रीड लाउड, साथ ही साथ इन पंक्तियों को जब जोर से पढ़ा जाता है तो क्या होता है, इट क्रिएट्स ए ग्रेट म्यूजिकल इफेक्ट, एक महान संगीत की तासीर, एक महान संगीत जो है उसका असर पैदा होता है। एंड सूद, और बच्चे सुकून देता है किसे, द इयर्स ऑफ द लिसनर्स, और ये श्रोताओं के, और ये श्रोताओं के जो कान हैं उन श्रोताओं के कानों को क्या देता है, ये श्रोताओं के कानों को सुकून देता है, श्रोताओं के कानों को वो देता है, समझ गए ना, कंफर्ट, इट कंफर्ट्स, वो उनको कंफर्ट देता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि मेटाफर आपका क्लियर आपके समझ में आ जाना चाहिए, इलिट्रेशन आपको हमने बहुत अच्छे समझा दिया है। और नेक्स्ट जो है बच्चों आपका टॉपिक वो है राइम, आर एच वाई एम ई, राइम जो है बच्चों इसे आप हिंदी में तुक कहते हैं, राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुक कहते हैं, और राइम के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। परंतु राइम का मतलब बच्चों कोई भी जो कविता होती है उसके अंत में तुक होता है, एंडिंग जो होती है कविता की, पंक्ति की एंडिंग होती है वहां तुक होता है, जैसे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, लास्ट में क्या गया, पुरानी थी, और बूंदे ले हर बोलो जे मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थी। तो ये जो अंतिम पंक्ति है बच्चों उनके अंदर जो गेयता बन रही है, जो ध्वनि का मेल बन रहा है, इस ध्वनि मेल को आप क्या बोलते हैं, इस गेयता को आप क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों आप हिंदी में तुक बंदे और अंग्रेजी में आप इसको राइम कहते हैं। तो राइम वाला जो पार्ट है बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल स्टडी अबाउट इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। बच्चों नमस्कार।